Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. तो बताइए कैसा लग रहा है आपको, ये आपका पहला शो है, क्या फीलिंग है आपकी? नाउ आई एम योर रिपोर्टर, सो प्लीज प्लीज टेल मी कि आपको कैसे लग रहा है अंदर से? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं छवि पांडे के साथ काम कर रही हूँ. तुम दोनों ही एक्साइटेड रहे लो. रिपोर्टर थोड़ा भटक गया. देखा, ध्यान भी नहीं दिया क्या बोला मैं. क्या बोला इसने? क्या बोला? तुम दोनों एक्साइटेड रह लो, मेरे को कौन याद करेगा. हेलो, हाय. ओ अच्छा, हाँ सॉरी, अभी सॉरी. और राहुल के साथ भी. हाँ, मेरा जो रोल है वो मैं जमींदार की बेटी हूँ, डॉटर, जो कि राज प्रेमी जी निभा रहे हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम वर्किंग विद हिम. तो मैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो बाहर से आई है और यहाँ के बच्चों को. व्हाई डू यू वांट मी टू मेंशन दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. मेंशन नहीं करती हूँ तो मैं. ओके, मैं लंदन से आई हूँ. यू वॉन्टेड दैट एक्सेंट, राइट? सो एनीवेज, हमेशा ऐसे करते हैं मेरे साथ. तो यहाँ के बच्चों को पढ़ाती हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ. और ये हमारे शो के लीड हैं राहुल, तो इनकी जर्नी में मैं इनको कैसे हेल्प करूँगी? जो भी रुकावटें आएंगी मंदिर से रिलेटेड, जब ये कुछ भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, तो किस तरीके से मैं इनको हेल्प करूँगी, ये पूरी मेरी जर्नी होगी इनके साथ में. एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट माई लुक्स एंड माई इंटायर अटायर. यू कैन सी जो कि मुझे इस बार शो में दिया गया, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मोस्टली मुझे शोज़ में ऐसे कपड़े पहनने का अवसर नहीं मिला. मैं हमेशा इंडियन आउटफिट में नज़र आई हूँ, तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट. अभी भी सती सावित्री हूँ. हाँ सॉरी, तो वो भी. सो ये मुझे भटका रहे हैं मेरे टॉपिक से. तो ये चीज़ मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा वाई नॉट. एंड ऑल्सो द कैरेक्टर एंड द कॉन्सेप्ट इज रियली डिफरेंट. अब आप बताइए. क्या बताऊँ आपके बारे? आपने कैरेक्टर. अच्छा, मेरे बारे. हाय, मैं काल भैरव रहस्य में राहुल का किरदार निभा रहा हूँ. सो काल भैरव रहस्य जो है वो कहानी है एक सिद्धपुर गाँव के मंदिर की, जो काल भैरव का मंदिर है उसके बारे में. ये एक काल्पनिक कहानी है और इसमें राहुल जो है किसी चीज़ की तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँचता है, इस मंदिर तक. और उस मंदिर के बारे में जब उसके मिथ के बारे में उसे पता चलता है, तो वो उस मिथ को क्वेश्चन करता है कि जो मिथ है वो ये है कि इस मंदिर में आप सूर्यास्त के बाद में नहीं जा सकते. अगर आप गए या वहाँ रह गए तो भगवान काल भैरव आपको दंडित करते. तो राहुल का क्वेश्चन पहला ये है कि अगर कोई भगवान है सच में, तो वो किसी भक्त को कैसे दंडित कर सकते? तो उसी क्वेश्चन को लेकर उसकी सर्च शुरू होती है, इसको लेकर वो खोज शुरू होती है. और वो खोज कैसे इंटेंस हो जाती है और किस तरह से वो इसका पार्ट बनता है, किस तरह गांव वालों में गौरी और नम्रता की हेल्प लेते हुए उनके थ्रू ये उस रहस्य तक पहुँचने की कोशिश करता है, गांव वालों के श्रद्धा और विश्वास के साथ कौन खेल रहा है ये जानने की कोशिश करता है. तो ये सब उसी की कहानी है. ये एक मिस्ट्री थ्रिलर शो है, हॉरर शो बिल्कुल नहीं है. आप लोग प्लीज़ डरिए मत और प्लीज़ उस जोन में जाकर मत सोचिएगा. आप सब लोगों को बड़ा पसंद आएगा, बच्चे से लेके घर के जो बुज़ुर्ग हैं उन सबको पसंद आएगा. Obviously first show है, तो मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ. चीख नहीं सकती इतना ज़्यादा यहाँ पे. तो मैं गौरी का रोल प्ले कर रही हूँ और गौरी एक fictitious विलेज सिद्धपुर से है और पुजारी की बेटी है. तो उसका जो माइंडसेट है वो भी भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती है और जो मिस्ट्री है काल भैरव की उसमें भी बिलीव करती है. तो बहुत इनोसेंट है और बहुत संस्कारी, नियम मानने वाली लड़की है. और कैसे राहुल को उसकी जर्नी में हेल्प करती है वो देखेंगे. फोटो खींच रही है. काल भैरव रहस्य मेरी एक्चुअली ये जो है ना काल भैरव रहस्य में एक ही रहस्य नहीं है, ये बहुत सारे रहस्य लेकर आ रहा है अपने साथ. और रही बात मुझे, मतलब मेरा मिलना वो किससे लिखा है ये तो भगवान काल भैरव ही बता सकते हैं. तो अभी तक जो है आई एम हैप्पी कि दोनों मेरी ज़िंदगी का पार्ट रहेंगी और इसी बात की खुशी है कि गौरी और नम्रता ये दोनों मेरी ज़िंदगी का
बहुत अहम हिस्सा होने वाली है इस काल भैरव रहस्य। आज ये शो टेलीकास्ट होने वाला है, फर्स्ट एपिसोड आने वाला है। फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज ये शो साथ में? पहली बात तो यही बोलना चाहूँगा कि शो सबसे डिफरेंट है जितने भी शोज अभी हैं ऑन एयर, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हर एक एपिसोड के साथ में एक एक्साइटमेंट जनरेट करेगा एंड एक क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि क्या होता है ना जब आप एक शो लॉन्च होता है, हम सारे लोग बोलते हैं कि नया शो है डिफरेंट है, बट आप एक एपिसोड देखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं ये भी सेम स्टोरी है। बट जब आज आप एपिसोड देखेंगे, आप हमारे व्यूअर्स जब देखेंगे तो उनको ऐसे लगेगा कल क्या होगा, इतनी ज़्यादा इसमें ना यू नो आप इतनी क्यूरियोसिटी में इस शो को देखना पसंद करेंगे। जो स्टार भारत, ऋषि प्रोडक्शंस, धर्मेश सर और जितने भी क्रिएटिव्स हमारे हैं, राइटिंग टीम है, सब लोगों ने मिलके ना बहुत मेहनत की है राइटिंग में, बिकॉज स्टोरी का जो कंटेंट है वो मिस्ट्री और थ्रिलर है, और इसमें राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो बहुत बड़ा है। तो पहली बात तो स्टार और ऋषि प्रोडक्शंस को थैंक यू कि उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ऐसा रोल प्ले कर पा रहा हूँ। आई एम ब्लेस्ड के हाँ मतलब हम तीनों जिस तरह से तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट लगता है, और जो जिस तरह से एपिसोड लिखे गए हैं, जो क्यूरियोसिटी वो जनरेट करते हैं, और जिस तरह की चीज़ें एक बैक टू बैक होती जाएंगी, आप लोग ना बड़ा एक्साइटमेंट आपको लगेगा, और हर एपिसोड देखने के लिए आप अगले दिन का इंतज़ार करेंगे, और 30 अक्टूबर से 7 बजे तक डेफिनेटली देखेंगे। और एक बार बस हम रिपीट करना चाहेंगे कि डू वॉच काल भैरव रहस्य मंडे टू फ्राइडे स्टार भारत पर। टाइम अच्छा 7 बजे स्टार भारत पर। थैंक यू थैंक यू।